दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि *99# हैश से आप पैसा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, मतलब USSD कोड के थ्रू अपना पैसा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं दूसरे के बैंक में। ठीक है, तो आपका इंटरनेट चले या ना चले, ठीक है, आप बिना इंटरनेट का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं अपना जो वाईफाई है उसको ऑफ़ कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पर मेरा डाटा भी ऑफ़ है। ठीक है, अब मैं किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और क्या है ना कि इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये जैसे वीडियो ख़त्म होगा लास्ट में एक वीडियो देखेगा, उस पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो जहाँ पे कमेंट करते हैं उसका लिंक दे दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वो जब रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो फिर से आपको अगर पैसा ट्रांसफ़र करना होगा तो पहले देख लीजिए पैसा ट्रांसफ़र मैं कैसे कर रहा हूँ। बट आपको रजिस्ट्रेशन जब तक करेंगे नहीं तब तक कम्प्लीट होगा नहीं। तो मैं हर बताया हूँ कि सभी बैंकों को मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताते जाऊँगा, बट अभी मैं जो बताने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बताने वाला हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का *99# रजिस्ट्रेशन कर लें तो उससे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यही बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं *99# डायल कर दिया, उसके बाद मैं अपना सिम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वेलकम आएगा, और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपको कुछ देर वेट करना है, उसके बाद कुछ इस तरह का आएगा जैसे कि मैं उस वीडियो में ये बताया हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन जब किया था तो पैसा भी चेक करके आपको बताया था। बट यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है कि एक प्रेस करेंगे तो सेंड मनी, तो मैं एक प्रेस कर देता हूँ और सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। तभी देखिए 3-4 ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, मोबाइल नंबर के थ्रू, UPI ID के थ्रू, और बेनिफिशरी और IFSC कोड। मैं स्टेप बाई स्टेप आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं पहले वाला क्या है, मोबाइल नंबर के थ्रू, तो मैं एक क्लिक कर देता हूँ और सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। मोबाइल नंबर के थ्रू मतलब किसी बंदे का मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर में डालेगा तो उनके जब पैसा भेजेगा तो उनके सीधा बैंक अकाउंट में ही चला जाएगा। चलिए मैं एक मोबाइल नंबर डालता हूँ, तो जब मैं इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक नाम बता देगा। चलिए मैं इस पर सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाम बता दिया, ठीक है, प्रियंका देवी, ठीक है, मेरी फैमिली का ही है, और मेरे को जितना भी पैसा भेजना है तो मैं यहाँ से लगभग 100 रुपये यहाँ से डाल दिया और सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे बोल रहा है रिमार्क में आप हाय हेलो कुछ भी लिख सकते हैं या किस पर्पस के लिए भेजें। चलिए मैं हाय लिख देता हूँ और उसके बाद मैं सेंड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कन्फर्म है, सब चीज़ ठीक है, ठीक है, तो आप लोग अपना मिला लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना UPI पिन डालना है। तो चलिए मैं अपना UPI पिन डाल देता हूँ, जैसे कि 9 1 6 1 1 6, उसके बाद मैं सेंड कर देता हूँ। तो जैसे मैं सेंड किया हूँ यहाँ पे देखिए मेरे अकाउंट से डेबिट हो चुका है, ठीक है, मतलब मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है। और यहाँ पे अगर मेरे को सेव करना है ना, ठीक है, तो जब मैं एक दबेगा तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है, बाद में मैं बेनिफिशरी में जाएगा तो सेव से मैं निकाल सकता हूँ। चलिए मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। अब मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पर डेबिट भी हो गया है, यहाँ पर एक SMS भी आ गया है, मेरे अकाउंट से पैसा भी कट गया। चलिए इसको कैंसिल करता हूँ। अब क्या करना है, फिर से अगर मैं आपको अब आपको UPI ID के थ्रू भेजना है तो आपको *99# डाल करना है, उसके बाद अपना सिम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का आएगा, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, और उसके बाद कुछ देर फिर से वेट करना है। आप अपने सादा मोबाइल से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें नेट हो, इंटरनेट चले या ना चले। आपको मैं देखिए यहाँ पे बिना इंटरनेट का यहाँ पे सब चीज़ दिखा रहा हूँ, बट आप थोड़ा देर वेट कीजिएगा। तो देखिए फिर से आ गया ये सब सारा ऑप्शन, उसे मेरे को एक प्रेस करना है ताकि मैं सेंड मनी वाले पे जा सकूँ। तो मैं एक प्रेस कर दिया और सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए जब मोबाइल नंबर के थ्रू मैं आपको बता दिया हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि UPI ID के थ्रू कैसे भेजना है। तो UPI ID के थ्रू भेजने के लिए बोल रहा है कि 3 प्रेस करने के लिए, मैं 3 प्रेस कर दिया और सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेंड पर क्लिक किया हूँ यहाँ पे बोला है UPI ID डालने के लिए। तो चलिए आपका जो भी UPI ID होगा, जैसे कि कोई बंदा बोलता है कि मेरा UPI ID के थ्रू भेज दो, ठीक है, तो उनका UPI ID डाल दीजिए। चलिए मैं एक UPI ID रखा हूँ, मैं उस UPI ID के थ्रू मैं पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ। तो चलिए मेरे पास एक UPI ID है मेरे फ्रेंड का, मैं उनका UPI ID डाल देता हूँ। UPI ID डालने के बाद सेंड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे तो जो जिसके नाम से UPI ID बना होगा उनका नाम बताएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा फ्रेंड का नाम है यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को जितना भी पैसा भेजना है मैं यहाँ पे एंटर करेगा। चलिए इसमें भी मैं लगभग 200
ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 200 एंटर किया और मैं सेंड कर देता हूँ। जिसे सेंड पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे बोलेगा रिमार्क्स आप हाय हेलो, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए मैं इसमें भी हाय लिख देता हूँ, उसके बाद मैं सेंड कर देता हूँ। और सेंड करने के बाद यहाँ पे बोला है अपना UPI पिन डालने के लिए, तो जो भी आपका UPI पिन रहेगा वो आपको डाल दीजिएगा। चलिए मेरा जो भी UPI पिन है मैं अपना डाल लेता हूँ। तो मैं अपना UPI पिन डाल लिया और मैं सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र भी हो गया है। यहाँ पे देखिए फिर से मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मेरे अकाउंट से फिर से डेबिट हो गया है। अब फिर से बोला है अगर मैं इसको सेव कर रहा है तो एक एक डायल करके और सेंड पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे को सेव नहीं करना है, मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। और मैं क्या करता हूँ फिर से IFC कोड के थ्रू और अकाउंट नंबर के थ्रू भेजना है, तो आपको फिर से *99 है डायल करना है और सिम सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मोबाइल नंबर के थ्रू भी बता दिया, UPI ID के थ्रू भी बता दिया, ताकि आपको जिससे आसान पड़े, ठीक है, सामने वाले बंदे को आप जिससे आसान पड़े उससे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेट भी नहीं चालू है। चलिए यहाँ 1 प्रेस कर देता हूँ सेंड मनी पर जाने के लिए, 1 प्रेस किया और सेंड कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर के थ्रू बता दिया हूँ, UPI ID के थ्रू, और सेफ बेनिफिशरी मतलब वही बोल रहा था ना, जब एक दाबेंगे तो सेफ हो जाएगा। अगर मैं जब 4 दाबता ना तो इसमें बेनिफिशरी बताता। चलिए चौथा वाला काम नहीं है, जैसे कि सेफ बेनिफिशरी वाला कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरे को IFC कोड और अकाउंट नंबर के थ्रू भेजना है, तो मैं 5 प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं सेंड कर देता हूँ। अब मेरे से अकाउंट नंबर और IFC कोड मेरे को डालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे IFC कोड बोल रहा है, तो आपको जिसके पास भी पैसा ट्रांसफ़र करना होगा उनका IFC कोड डालिएगा। चलिए मैं एक डाल देता हूँ IFC कोड। डालने के बाद आपको सेंड पर क्लिक करना है। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है, बेनिफिशियरी का जिनके पास आप पैसा ट्रांसफ़र करना है आपको उनका अकाउंट नंबर डालना है। चलिए मैं एक अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। तो मैं एक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ और मैं सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। और फिर से बोलना है आपको कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो मैं इसमें लगभग मैं 500 कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं 500 एंटर किया और मैं सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जिसे सेंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें भी मैं हाय हेलो कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद मैं सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से दिखाएगा, जैसे कि मैं जो अकाउंट नंबर फिल किया हूँ IFC कोड डाला हूँ यहाँ पे दिखा रहा है। तो बस अब मेरे को UPI पिन डालना है और सेंड पर मैं जैसे क्लिक करेगा मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जिस अकाउंट में मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये मेरा SMS इसमें आएगा, ठीक है, आपको इसमें दिखाता हूँ। जिसलिए मैं अपना UPI पिन डाल लेता हूँ और ये आपको काम जल्दी जल्दी करना है। और मैं सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए एक मेरा SMS इसमें आएगा, देखिए पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अब इसमें SMS आएगा, मेरे से इसमें से डेबिट हुआ और इसमें देखिए अभी एक SMS भी आएगा। कुछ देर वेट करते हैं, देखिए इसमें आ गया क्रेडिट, ठीक है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का है। आपको यहाँ पे मैं ठीक से दिखाता हूँ, 12:58 पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12:58 हो रहा है और इसमें भी 12:58 हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को, अब चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। और मेरे को अगर मैं अकाउंट नंबर सेव करना है तो मैं फिर से एक डायल करेगा तो इसमें सेव हो जाएगा, बट मेरे को सेव नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं बैग चला आया हूँ। और आप लोग इस तरह अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मैं फिर से अपना बैग, तो आप लोग इस तरह पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट आप लोग रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिएगा कि उसको रजिस्ट्रेशन किसे करते हैं। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो इस वीडियो पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और उसके बाद जिसे पैसा ट्रांसफ़र करने का सिखाया हूँ आप लोग इसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।